कुर्सी के लिए झगड़ा आपने देखा होगा, कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं राजनीतिक जगह पर, कहीं ऐसी जगह पर जैसे कोई पद या पोस्ट हो, लेकिन कभी एक दुकान पे कुर्सी के लिए झगड़ा आपने शायद ही देखा हो। ऐसे कई बार आपने देखा भी होगा, लेकिन शायद इस तरीके का मामला पहली बार आया है जहां आपको हैरत में डाल देगा ये बात सुनकर और देखकर कि किस तरीके से एक कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को थप्पड़ों से मारकर उठा दिया जाता है, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो इस टाइम पर जिला चिकित्सालय में भर्ती हो गया क्योंकि उसे इतना थप्पड़ मार दिया गया कि उसका जबड़ा ही टूट गया है, जहां सर्जरी हो रही है जिला चिकित्सालय में। आपको बता दें कि हैरत में डाल देने वाला एक मामला प्रकाश में आया जहां सिर्फ कुर्सी ना देने को लेकर के एक युवक को इतने तमाचे मार दिए गए कि उसका जबड़ा ही टूट गया। मामला सीधी जिले के बाहरी थाना अंतर्गत किलई ग्राम का है जहां पर पीड़ित राजा साहू एक दुकान पर बैठा था, तभी दादूलाल नामक युवक के ऊपर महेश शुक्ला नामक आरोपी के द्वारा पहले 2-3 थप्पड़ बरसाए गए, जहां राजा साहू द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह आगे जब पंचायत भवन के पास पहुंचे तो वहां पर महेश शुक्ला के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, वह भी लाठी डंडों से, जिससे इनका जबड़ा टूट गया। पीड़ित जिला चिकित्सालय में इलाजरत है। वहीं पूरी घटना 17 दिसंबर रविवार की बताई जा रही है। यह घटना सम्मान ना देने के कारण घटी है। पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि ये सिर्फ सम्मान चाहते थे कि भाई मेरा तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, मुझे तुमने कुर्सी नहीं दिया, इस बात को लेकर के ये झगड़ा और मारपीट बताया जा रहा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना का मामला भी पंजीबद्ध करवाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा गया, लेकिन पुलिस के पास मामला जब ये पहुंचा तो पुलिस फर्स्ट में FIR दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस ने समझौता का प्रयास करवाया जहां आरोपी के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार उसका कहना यह है कि मैं जब बाहरी थाना अंतर्गत का जो मामला है बाहरी थाना जब मैं पहुंचा वहां शिकायत दर्ज करवाने के लिए तो यह बोला गया कि तुम जाओ उनसे माफी मांगो और यहां तक कि उसके साथ राजीनामा कर लो, ये मामला पंजीबद्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा था और जबड़ा टूटने की वजह से वो जिला चिकित्सालय पहुंचा जहां वो इलाज करवाने के लिए भी पहुंचा, उसके बाद फिर से और कुछ लोग पहुंचे जहां FIR करवाने के लिए, तो FIR दर्ज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो FIR के नाम पर NCR कॉपी थमा दी गई है। जहां इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि ये घटना जब मामला 17/12/2023 का जो बताया जा रहा है, वहीं ये सुबह 11:39 पर यह मामला पंजीबद्ध हुआ है जो हमारे हाथों में है इस टाइम पर। इस धारा अगर बात की जाए तो 323 का मामला पंजीबद्ध हुआ है, ये फाइल जो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में है, ये 323 मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है जो कि मारपीट की वारदात FIR जो दर्ज होती है। इस पूरे मामले पर यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ये घटना सिर्फ एक सम्मान को लेकर के है। हालांकि इस पर क्या कहना है आपका और क्या राय है ये स्पष्ट जरूर करवाइएगा, लेकिन मामला सबसे बड़ा देखा जा रहा है इस तरीके का, जो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को थप्पड़ मारकर सम्मान लिया जा रहा है। ये मामला लगातार आपको देखने को मिल पा रहा है इस टाइम पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके द्वारा क्या कहना है देखिए पूरी रिपोर्ट की आखिर में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ना राजा साहब। ये कैसे पूरी घटना घटी? गए थे कोरी, कोरी से लौटे थे, माधव सिंह गुमती पर बैठ गए थे, माधव सिंह गुमती पर बैठ गए थे जो है महेश शुक्ल आए दादूलाल के 3-4 पोहा पीट दिए, कहने काहे पूछल रहा काहे पूछल रहा कहीं एक घरे गए उनका कोई सामना नहीं दी गाड़ी पोहा जो उनको ज्यादा ही दिया है इनके माने शुरू कर दी रियाव शुरू कर दी फिर हमारे बाप ओकर दसों खाई सब खाई माता जी हमका सामना नहीं दी हमें मलाप मिलावट पटावत किसान कर मैंने वहाँ से मैं मिला पट गया आगे कुछ आई पंचायत भवन के आगे वहीं कुछ बात विवाद चल रहा बात विवाद चला चला फिर कहीं से गुंडा है सारे गुंडा है एकदम वहीं माइस पड़ा दे बेहोश है गान और जितना कुछ पीछा कर पीछे। कितने बजे लगभग की घटना ये 9 बजे के आसपास है। 9 बजे के आसपास है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घरे जा रहे। कहाँ से? कुवरी से। कुवरी गए थे, कुवरी से घरे जा रहे। और ये क्यों मारे आपको? कुछ पुरानी रंजिश थी कि पुरानी वाली हमको नहीं रहा पता नहीं रहा दादू लाल की भाई पुराना माने गांस थे दादू लाल के यहाँ गए थे
कि माने हम गए तो हमारे मतलब सामान नहीं दिया, है ही नहीं दिया, वो नहीं दिया, वह दादू टार के चलते विवाद झगड़ा। इसकी शिकायत की आपने कहीं? हैं, इसकी शिकायत की आपने कहीं? वो थाने पर गए थे तो क्या हुआ? थानेदार गए कि रिपोर्ट सिपोर्ट नहीं लिए, रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट सिपोर्ट नहीं होगा तो ऐसे आए थे। फिर हो गया कुछ टाइम तक बैठे थे, फिर पुन चले आए थे, बाहर निकल आए थे, फिर पुन गए थे सुपारसी सुपारसी चली मुश्किल से जाकर फिर रिपोर्ट करी, आवेदन लिहीन उम्र लिखा कुछ नहीं, खाली आवेदन लेके मेडिकल भेज दिए मेडिकल। और टी आई साहब ने कहें कि वो तुम्हारे शमार था हो कर देगी हो कर देगा हरजन हट्टे कर देगा। हम कहें हमसे उसका मतलब ही नहीं है, हमसे दुबे जब हम मतलब शुक्र और महेश शुक्र मारा है और यहाँ हमारे लाठी डंडा से मारा, यहाँ चला जाता है, यहाँ टूट गया, ये सब टूट गया ही नहीं है, बंधाया था दूसरा से इसी परेशानी है। बाहरी थाना कहाँ की निवासी यहाँ? तिलई के पंचायत। हमारा नाम राजा साहू, पिता का उम्र 55 साल के। दादूलाल ये कौन सा थाना? ये बाहरी थाना। जिनके साथ मारपीट हुई है ये कौन है आपके? ओ जो मारपीट हुई है तो मेरा भतीजा है। क्या नाम है उनका? राजा। पूरा नाम? राजा साहू। ये पूरी वारदात कैसे हुई? ये पूरी बात होगा उन पीपाई के आए हो गए, इसे झगड़ा वगड़ा करे लागे, झगड़ा करते करते मारपीट के एकदम बिछाई दी। ये कौन पी कर आया? महेश पंडित। हाँ शुकुल तो आए तो पहले होगा मारपीट का बिछाई दी। अब हम रहे अकेले क्या करें, हम फिर साथ में कैसे नको लाद पात के गाड़ी से अब लेकर फिर गए। कहाँ पर घटना हुई? ये घटना हुई है बघड़ा नहीं वो बनियान हटवा में रोड पर हटवक सोजे। ये मारा क्यों गया? होए को इसने झगड़ा में झगड़ा कही कर फिर मारे ही लागे मारपीट कर बिछा दे। पुरानी इंजिस नहीं रही कोई। वहीं ले चलूंगा दूसरी खबर की तरफ, जहां एक और खबर खास खबर के साथ मैं आपको बता दूं कि जिला चिकित्सालय में इस तरीके का वारदात तो आपने देख ही लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर अगर घर से किसी की डिलीवरी होने वाली हो तो उसके रास्ते पर पत्थर और कांटे बिछा दिए जाते हैं। एक मामला और चलकर सामने आया है जो बताया जा रहा है संतलाल साकेत जो कि पड़खोरी नंबर 2 की निवासी है, जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला है, जहां पर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने इस बात को रखा कि हमारे घर वाले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सरकारी एक रास्ता उस रास्ते को खेत की तरह जुताई कर दी जाती है और वहां पर हम लोगों को निकलने नहीं दिया जाता है। यहां तक कि उनका यह कहना है कि पुश्तैनी रास्ता यानी कि कई सालों से यह रास्ता चल रहा है, हमारे पिता और जो दादा है वो भी इसी रास्ते से चला करते थे और उनकी मौत हो गई इसी रास्ते से चलते चलते, लेकिन आज हमारा ये रास्ता रोका जा रहा। इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी के लिए आइए जानते हैं उनकी रिपोर्ट की आखिर में क्या कहना है उनका। खास खबरों के साथ देखिए रिपोर्ट। संतलाल साकेत, ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है और वहाँ जरबा से पीट दिए हैं और बोल रहे हैं कि मतलब मैं न जाने दूंगा क्या करोगे, धमकी दे रहे हैं, हाथ तोड़ दूंगा पैर तोड़ दूंगा और यहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ये कौन? मनोज तिवारी, विनोद तिवारी। का है? रास्ता के लिए हम लोग परेशान हैं सर, रास्ता बंद कर दिए, पानी के लिए कहाँ जाएँ, बीमार दुखी हुए कहाँ जाएँ, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। जमोड़ी चौकी में दिया आवेदन, कोई सुनवाई नहीं, तहसीलदार में दिया, अभी कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ, एसपी साहब को दिया, हरजन थाना दिया, कोई आज तक जान मतलब कार्रवाई नहीं हुआ है। बोला क्या गया वहाँ से? जी वहाँ से क्या कहा गया? बोले कि चलो मैं देखता हूँ, आता हूँ, आज तक अभी कोई आया नहीं, जानकारी नहीं लिए, न वीडियो देखे न फोटो खींचे, धमकी दे रहे हैं, नहीं रास्ता रेंगने दूंगा। इस पर अभी तक में कुछ कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस गई थी वहाँ? पुलिस नहीं गई थी, आज गई थी और चली आई, कुछ नहीं बोली। मेन वही एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है। तो जमीन कैसी?
जमीन शासकीय है, बहुत पहले से पुराना है, 60-70 साल हो गए, सब बच्चे बच्चे लोग जानते हैं। पूरे पड़खुरी नंबर 2 का किसी से आप पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ यहीं से रास्ता था। जमोड़ी चौकी, संत लाल साकेत, ग्राम पड़खुरी नंबर 2, ग्राम पोस्ट। क्या नाम आपका मतलब? 24 साकेत। आपका नाम? 24 साकेत। ये क्या है पूरा मामला? रास्ता के लिए। रास्ते के लिए किनके द्वारा रोका गया, बाधा गया था? मनोज तिवारी, विनोद तिवारी। ये सब क्यों रो रहे हैं सर? नहीं रहेंगे दे, कहाँ थे हम ना रहेंगे दे, मारते हैं, गरियाते हैं, गाली देते हैं। ये कब से भी बात कर रहे हैं आप? ये 8 तारीख से। शिकायत की आपने? शिकायत तो सब तक है। तो का कुछ उसका कुछ भी नहीं सुनाई हो रही है कहीं भी। आज पुलिस गई थी? आज गई थी। तो क्या हुआ? वो गए तो कहें कि हम लोग क्या करेंगे, अब तुम लोग अपने में पट लो और नहीं आओ थाना में, तो हम क्या करें भाई? थाना में जाते तो नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं हो लगा। कलेक्टर साहब से बात हुई? नहीं नहीं, नहीं हुई। जी भारती साकेत। कहाँ के निवासी हैं? पड़खुरी नंबर 2। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? ये रास्ता का मामला है सर, वो रास्ता रेगने नहीं देते हैं और कांटों की बारी लगाए हुए हैं और गाली गलौज करते हैं, मारने वारने की धमकी देते हैं, घर से निकालते हैं, बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तो हमारा कुछ नहीं है। कौन देते? वो मनो, वो विनोद तिवारी। ये क्यों विवाद क्यों चल रहा है? ये रास्ता के मामले में विवाद चल रहा है। जमीन? जी सरकारी। जमीन सरकारी? जी। बहुत पहले से रास्ता था वहाँ, बहुत पहले से रास्ता थी, पुरानी रास्ता थी, बहुत लोग सब लोग रहते थे वहाँ से। अभी वो जोतने बोने लगे और बारी रूदने लगे तो नहीं रहने देते हैं, हम लोगों का पूरा रास्ता ही बंद कर दिए हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं सब, बारिश के जब समय आती है तो बहुत तकलीफ होता है रास्ता जाने में ही। कहाँ कहाँ आवेदन दे चुकी हैं आप? यहाँ आवेदन दे दिए हैं, क्या कहते हैं, चौकी में ही कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाले गए थे तो कोई सुनवाई नहीं किया है वहाँ, आज भी गए थे हम लोग, मतलब कि वहाँ वो किए थे 100 नंबर को फ़ोन किए तो कोई सुनवाई नहीं किए। जी क्या मांगे आप? क्या चाहते हम लोग? रास्ता चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोगों को रास्ता दे दें बस, हो गया। साकेत, ये क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, 8 दिसंबर की बात है, ये 5 बजे की, मनोज तिवारी, विनोद तिवारी, उनके पिता का आत्माराम नाम है, ये लोग 5 बजे झगड़ा करने लगे, बारी टाटा रूंधने लगे। हम लोग बुला के लिए आए बड़े आदमी को, द्विवेदी, इनको बुला के लिए आए, हारन द्विवेदी रहे हैं, पंडित द्विवेदी रहे हैं, तो पंडित द्विवेदी तो ख़त्म हो गए, हारन द्विवेदी हैं। तो तिवारी ये बोलते हैं कि वो गवाही नहीं देंगे हमारे पक्ष में। तिवारी बिल्कुल, मतलब तिवारी ये बोलते हैं कि मतलब वो हारन द्विवेदी मतलब गवाही नहीं देंगे कि मतलब वहाँ देखने गए थे। हम लोग मतलब बुला करके लिए के देखो ऐसा ऐसा मतलब बात हो गई है, हम लोग गाँव में हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमारा घर कहते हैं कि तोड़वा देंगे, बुलडोजर लगवा देंगे, जेसीबी लगवा देंगे, उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारा बहुत पुराना मकान है, 2 वर्ष के है वो मकान, उसको बोलते हैं कि ये हमारे पट्टे में है, हम आवास पाए हैं, आवास बना रहे हैं अपने पट्टे में, उसको बोलते हैं कि तोड़वा देंगे, गिरवा देंगे, बुलडोजर लगा देंगे, मशीन लगा देंगे, गाली गलौज करते हैं, दाई महतारी बेटी बहन हर प्रकार की गाली गलौज करते हैं। हम लोग क्या करें बताइए, कहाँ जाएँ हम लोग? अपने मतलब मेछा की उस ताकत देते हैं, बोलते हैं कि हम घर गिरवा के अपना मेछा मुड़वा देंगे, उनकी शौक है, मेछा रखें ना रखें उनकी मर्यादा है। आज भी उठपटांग बोलने लगे, हम घर में नहीं थे, हम बकरी रखे हैं, उसको हम जरबा काटने गए, आए तो विवाद हो रहा है इन लोगों का, लगातार 9 तारीख से विवाद चल रहा है जी, 8 तारीख से लगातार विवाद, 8 तारीख से आज तक के, मतलब हम शिकायत किए हरजन थाना में, जमोड़ी थाना कोतवाली में डाले, कंप्लेन किए, SP के बगला में डाले, आज वहाँ तो कलेक्टर साहब नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस कुछ भी नहीं करती है। हरजन थाना में डालो रिपोर्ट तो बोलते हैं तिवारी, मनोज तिवारी, विनोद तिवारी के हमारे परिचय वाले हैं, नौकरी करते हैं, चाचा हैं, भाई हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, हम तुमको जेल करवा देंगे। बोलिए हम लोग क्या करें,
ये हमारी रजिस्टर, ये हमारी रिकॉर्ड है, ये देख लीजिए, ये हमारी ऋण पुस्तिका है, हमारे पास पट्टा है, फिर भी बोलते हैं कि हम घर गिरवा देंगे, तोड़वा देंगे, ये हमारी ऋण पुस्तिका। कहाँ कहाँ हैं आपके? पड़खुरी नंबर 2, पड़खुरी नंबर के तिवारी भी हैं ये। थाना कौन सा? जमोरी थाना कुतवाली। इतना रिपोर्ट डाले लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता है जी। और भी खास खबरों के साथ आपके साथ फिर जुड़ता हूं, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जो और भी आपको बेहद बड़ी रिपोर्ट के साथ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या आप भी परेशान हैं इन सभी गंभीर बीमारियों से? किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर की समस्या, कैंसर रोग, अस्थमा की बीमारी, बवासीर, फिशर, भगन दर्द, सर्वाइकल का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन व सर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, इन सभी गंभीर बीमारियों के बारे में जाने सही हुए रोगियों से। गौरव जी, आप बताइए, आपको आज 6 दिन हो गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मुझे, और काफी बेचैनी रहती थी, नींद भी नहीं आती थी, अभी अभी सब रिजॉल्व हो चुका है, इसको नींद भी बढ़िया आती है। इसमें बैठने से बीपी कंट्रोल होता है? बीपी बिल्कुल कंट्रोल होता है, इसमें 101% कंट्रोल होता है बीपी। हेलो, मैं परम जैन फ्रॉम बैंक ऑफ थाईलैंड, यहाँ जोधपुर में संध्या जानी देवी हेल्थ रिसोर्ट्स विच इज़ वेल नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीकेडी पेशेंट्स एंड के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है वो रियली अनबिलीवेबल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने आंखों के सामने लोगों के इंसुलिन बंद होते हुए देखा है, और मेरी मम्मी जो यहाँ पे 10 दिन लेके ट्रीटमेंट लिया तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में 50% डाउन आ गया, तो विच मीन्स इट्स रियली वर्क एंड आई शुड से 5 स्टार टू द टीम। ओके जी, बढ़िया है किडनी के लिए, और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है, इससे अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो काफ़ी रिकवर होगा।